हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है और हर मिडिल क्लास आदमी के पीछे स्कूटर पे उसका बेटा होता है जिसे वो रोज ऐसी कंजूसी वाली टिप्स देता है। कितनी बार बोला है कि जितनी चादर हो उतनी पांव पसारो। यार पापा मैंने भी तो कितनी बार कहा एक साइज चादर बड़ी ले लो ना। तभी तो हम जैसे मिडिल क्लास बच्चे लाइफ में कूल नहीं बन पाते जिन्हें विरासत में मिली है एक खतरनाक बीमारी मिडिल क्लासियोसिस। और भाई इसके सिम्टम्स ना हम सबने देखे हैं। रुक रुक 40 बाबा घर अभी दो गली आगे। थोड़ा पैदल चल लेगा थोड़ी बॉडी बन जाएगी। मुझे इससे बेटर लाइफ चाहिए। पूरी लाइफ में ना पापा की तरह होटलों का मेन्यू राइट से लेफ्ट नहीं पढ़ सकता मैं। अरे घर के लिए सब करते हैं बेटा। मम्मी आपके टिफिन के डिब्बे वर्ल्ड कप में जो सर पे लेके घूमूंगा मैं। पर निकलते जा रहे हैं इसके। अगर इस बीमारी से मुझे कोई बचा सकता है तो वो है यूडी शर्मा खुद। लेकिन ऑफकोर्स आपके आशीर्वाद से। साइशा ओबेरॉय बेसिकली जो लाइफ मुझे चाहिए उसका वीआईपी टिकट है ये बॉस। मैं ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। तुम पिज्जा में छोले भटूरे, तुम पास्ता में पिन्निया, तुम हॉट में कूल। देसी मुंडे क्लासी बेबी की जोड़ी ना हमेशा सुपर हिट होती है। रणवीर दीपिका को देख ले। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है तो पहले आश को डेट करना होगा। तुम लैब करती हो क्या? मैं स्लैब करती हूं। छोड़ ना तेरी पहुंच के बहुत बाहर है। हमारी पहुंच में ना कोई छोटी बिंदी वाली होगी और मिल भी गई तो क्या हो जाएगा? फिर हमारा एक छोटा सा यूडी पैदा होगा। मैं अपने माँ बाप को कोसता हूँ, मेरा बेटा साला मुझे कोसेगा, उसका बेटा उसे कोसेगा, उसका बेटा उसे, उसका बेटा उसे, तो ये सर्कल तोड़ना पड़ेगा ना। हे श्री, हाउ टू इम्प्रेस अ वेरी रूड गर्ल। सिक्स वेज टू इम्प्रेस अ रूड गर्ल। अरे भैया ये मेरा काम है, मैं ले जाता हूँ, कोई बात नहीं। अरे अपना काम खुद को ही करना चाहिए छोटू। भैया जी वॉश बेसिन उधर है। भैया जी हम आपके बाप के नौकर नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। आई एम क्रेजी अबाउट यू। किसको तो पता कि चंडाले का भी और लग सकती है और भिखारी भी क्यूट लग सकता है। तुम्हारी स्माइल बहुत बदसूरत है। तुम्हारी पूरी शक्ल ही बदसूरत है। थैंक यू सो मच।